अगर आप कभी भी जापान की पहाड़ियों में हों और आपको एक बूढ़ी औरत मिले जो आपको उसकी मदद करने के लिए कहे, वो बिल्कुल ओनी बाबा जैसी दिखे, तो समझ लेना कि वो ओनी बाबा ही है। सुनने में आता है कि ओनी बाबा और उसकी प्रेग्नेंट बेटी जापान के एक छोटे से गांव आधा चिगाहारा में रहती थी। लोगों को लगता था कि ओनी बाबा को उसके हमसाये में रहने वाली औरत से जलन होती थी, क्योंकि वो भी माँ बनने वाली थी। ओनी बाबा ने अफवाहें फैलाई कि उसकी हमसाये का बच्चा किसी गलत रिलेशनशिप रखने की वजह से जन्म लेगा। गांव वालों ने उस औरत से जलना शुरू कर दिया और उन्हें लगने लगा कि उसका बच्चा ओनी बाबा की बेटी के बच्चे से ज्यादा खूबसूरत होगा। सर्दियों के महीने में जब बच्चे ने जन्म लिया तो उसके असिस्टेंट ने उसे बताया कि बच्चा बीमार है और उसके इलाज के लिए कुछ दवाइयों की जरूरत है। जब ओनी बाबा को इस बात का पता चला तो वो बच्चे की दवाई ढूंढने के लिए निकल गई। इन्हीं सभी बातों के साथ असिस्टेंट ने बताया, अगर बच्चे को मेडिसिन ना दी गई तो वो मर सकता है। इसी के साथ, अगर बच्चे को आज के दिन मेडिसिन ना दी गई तो ये उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। ओनी बाबा ने अपनी बेटी को दिलासा दिया और कहा कि वो उसके बच्चे को बचाएगी। अगर मैं किसी ना जन्म लिए गए बच्चे का जिगर लेकर इसमें डाल दूं तो ये बच्चा बच सकता है। उसकी बेटी अपनी माँ की ये बात सुनकर बहुत ज्यादा डर गई और उसने पूछा, ये ना जन्म लिए गए बच्चे का जिगर आप कहाँ से लाओगी? ओनी बाबा इसके बारे में जानती थी और उसको पाने के लिए प्लान बनाने लग गई। और उसी रात बर्फानी तूफान में ओनी बाबा अपनी हमसाये के घर पहुंच गई। कुछ समय के बाद ओनी बाबा हमसाये के घर पहुंच गई और उसने आहिस्ता से दरवाजा खोला और फिर ओनी बाबा ने अपना खंजर उस औरत के पेट में मार दिया और लगातार मारती रही। उसने तब तक खंजर से वार किया जब तक वो तड़प कर मर ना गई। और फिर इस सब के बाद उसने एहतियात से बच्चे का जिगर निकाल लिया। उसने उसे अपने हाथ में पकड़ा और उसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। और फिर उसकी नजर कमरे के एक कॉर्नर में गई। वहां उसने एक नेकलेस देखा जो खून में भीगा हुआ था, जिस पर सात का निशान बना हुआ था और वो मरने वाली औरत ने पहना हुआ था। उसको याद आया कि ये तो उसकी बेटी का नेकलेस है और उसे ये जान के बहुत ज्यादा गुस्सा आया कि उस औरत ने इसकी बेटी का नेकलेस चोरी कर लिया। लेकिन जब ओनी बाबा ने उस औरत का चेहरा देखा तो सच्चाई उसके सामने आ गई और उसे अपने किए पे पछतावा होने लगा। उसने अपने हाथों से अपनी ही बेटी और पोते को मार डाला था और उसी रात के बर्फानी तूफान ने ओनी बाबा के घर को तबाह कर दिया और उसी की हमसाई ने उसकी बेटी को तूफान से बचा लिया और उसी रात से ओनी बाबा कभी खुद को माफ नहीं कर पाई और जंगल में चली गई। और लेजेंड्स का मानना है कि वो एक चुड़ैल बन गई है। कहा जाता है कि वो पहाड़ों में भटकती रहती है अपने अगले शिकार के लिए। तो अगर आप आधा चिगाहारा में हो तो बूढ़ी औरतों से दूर रहना, क्योंकि आप उसके अगले शिकार हो सकते हो, ओनी बाबा के, जो कि अब एक चुड़ैल है।